नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। मुझे अच्छी तरह याद है साल 2000 से पहले 1999 के चुनाव का, लोकसभा का वो मंजर जब मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी ने कानपुर, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और उसे अंग्रेजों के जमाने में भी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था, उस कानपुर में एक चुनावी जनसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 के लोकसभा चुनाव में चिमनी की तरफ ऐसे हाथ उठाकर कहा था कि ये लाल इमली की जो चिमनी है, लाल इमली मिल की जो चिमनी है, इससे अगर मेरी सरकार आई तो इससे धुआं निकलने लगेगा। लाल इमली से कि चिमनी से धुआं तो नहीं निकला, लाल इमली का ही धुआं निकल गया। और अटल जी अब इस दुनिया में नहीं है। कानपुर के लोग, लाल इमली के लोग शिकायत किससे करें? अटल जी दो मर्तबा उनको अवसर मिला, एक बार उन्हें जल्दी इस्तीफा देना पड़ा, एक बार पूरी सरकार उन्हें 2004 तक चलाई 1999 के बाद। उसके बाद भी कानपुर की लाल इमली, अब नई पीढ़ी जो अभी 2000 के दरमियान या उस जिस चुनाव की हम बात कर रहे हैं 1999 उसके बाद या उसके आसपास जो पैदा हुई होगी, मुझे नहीं लगता कि लाल इमली के बारे में वो पीढ़ी को जानती होगी। लाल इमली वो मिल है, अभी वजूद है उसका, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अंग्रेजों के ज़माने की मिल, 100 साल से ऊपर की मिल, वो मिल है जो पूरे भारत को लाल इमली की लोई, लाल इमली का कम्बल, लाल इमली का के ऊनी सामान, लाल इमली की ऊन, पुराने लोग जो 50 या 60 की उम्र पार कर चुके हैं उन्हें अच्छी तरह याद है लाल इमली का जलवा, लाल इमली की क्वालिटी पूरे भारत में, और खासतौर पर उत्तर भारत में तो लाल इमली का डंका बजता था। उस लाल इमली की हम बात कर रहे हैं। लाल इमली में सैकड़ों कर्मचारी, 3-3, 4-4 शिफ्टों में काम चलता था। सैन्य बलों को, सेना को ऊनी साजो सामान, उनके वस्त्र लाल इमली बनाती थी। ऐसी बेहतरीन मिल मेरी नजर में तो नवरत्नों में एक होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी ये बुलंद इमारत ये बता रही है कि लाल इमली क्या थी। वो लाल इमली बर्बाद हो गई। एक वक्त आया जब यूपी की सरकार में इसके रिवाइवल का एक प्लान लेकर आए, कुछ काम भी हुआ, कुछ मशीनरी भी लाई गई, अभी भी वो कुछ मशीनें पड़ी हुई हैं लाल इमली में। कर्मचारी बहुत सारे दिवंगत हो गए, बहुत सारे अब उसी मिल के आसपास ठेले खोमचे लगाते हैं, नौकरी गई, परिवार बच्चों को नहीं पढ़ा पाए। लाल इमली की दीवारें, ये सिर्फ एक मिल की दीवार नहीं है, लाल इमली एक अपने आप में एक कहानी है। और यही नहीं, केवल कानपुर में मिलों का एक रेला था। सुबह सुबह जब लोग निकलते थे, जो लोग स्टेशन से उतर कर जब शहर के अंदर आते थे तो देखते थे कि साइकिल पर टिफिन टांगे हुए मजदूरों का रेला, मिल मजदूरों का रेला, एक अद्भुत दृश्य है। एक श्रम का परचम और डंका बजाते थे। एल्गिन मिल, स्वदेशी कॉटन मिल, जेके जूट मिल, लक्ष्मी रतन कॉटन मिल, विक्टोरिया मिल, ना जाने कितने नाम, कुछ इसी तरीके की मिल थी लाल इमली। और लाल इमली पर इतना बड़ा व्याख्यान मैं आज क्यों दे रहा हूं, इसकी वजह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बाद इस दौर के सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर में एक सरकारी कार्यक्रम में, कार्यक्रम सरकारी था, लगभग 1000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने 8000 युवाओं को टैबलेट लैपटॉप बांटे, बहुत सारी इस तरीके की और भी सुविधाएं लोगों को दी, ऋण पत्र भी बांटे गए,
कर्ज भी दिया गया कि लोगों को, हजारों लोगों को, 10,000 से अधिक युवाओं को नौकरी भी की बात हो रही, 50 कंपनियों के द्वारा 10,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई। उस नौकरी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई हम और हमारी सरकार इस बात को कर रहे हैं। अगर एक आंकड़ा देखें तो 725 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने पुरानी सरकारों को कोसा और इशारा किया फिर उसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के अंदाज में कि देखो ये लाल इमली में बंद हो गई। जहां ये जनसभा थी वो जीआईसी का मैदान है। अभी लोकसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश की रैली हुई थी, उससे पहले समाजवादियों का वो गढ़ आसपास कहा जाता सीसामऊ विधानसभा है। मुलायम सिंह की जितनी रैलियां होती थी वहीं होती थी। आज इस गढ़ में योगी आदित्यनाथ ने एक सरकारी कार्यक्रम किया और उपचुनाव भी है सीसामऊ का, क्योंकि वहां के विधायक इरफान सोलंकी को सजा हो गई 2 साल की और उनकी सदस्यता चली गई। योगी ने कहा कि इस लाल इमली को शुरू करने के लिए बड़ा पैकेज देंगे, इसे मैं कानपुर को लौटाऊंगा। योगी ने बहुत खम ठोक कर कहा कि मैं इसे कानपुर को लौटाऊंगा, बहुत बड़ी बात है। तो क्या अटल जी जो कॉल पूरा नहीं कर पाए, क्या योगी आदित्यनाथ वो वादा पूरा करेंगे? या जैसे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने लाल इमली को लेकर, लाल इमली से की चिमनियों से धुआं निकालने का वादा करके, लाल इमली को चालू करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, रिवाइवल पैकेज देने के लिए, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल इमली को रिवाइव करने की बात की थी और वो प्रधानमंत्री बने, कुछ लोग ये कह रहे थे कि क्या ये टोटका योगी भी अजमा रहे हैं क्या? मंथन में बड़ा सवाल। योगी ने कहा कि भाई लाल इमली को मैं कानपुर को लौटा दूंगा। बहुत वर्षों तक, और यूं कहें कि मेरी पत्रकारिता भी कानपुर के दैनिक जागरण से ही 88-89 में शुरू है। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मजदूरों के बीच थोड़ा बहुत जो वजूद बचा था मजदूरों का, थोड़ा बहुत मुझे भी पत्रकारिता करने का अवसर मिला। और जब आज मैंने ये खबर देखी अपने सहयोगियों को इस खबर को सजाते संवारते, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और याद आ गया, क्योंकि मैंने वो 1999 के अटल बिहारी वाजपेयी की रैली को भी कवर किया था और मेरे कान अभी भी उस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि अटल जी ने क्या कहा था। अब ये बात की बात कहना चाहते हैं कानपुर मिल उनके रिवाइवल का कोई कार्यक्रम है, और ये तो केंद्र का मसला है, प्रधानमंत्री का मसला है। तो योगी जी, हालांकि कानपुरियों के लिए, लाल इमली वालों के लिए एक अच्छी खबर है, योगी आदित्यनाथ ने साथ में बैठे कानपुर के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना से पूछा कि ये इमारत किसकी है, तो मंत्री ने कहा कि ये लाल इमली है। ठीक जीआईसी मैदान के सामने ये बुलंद इमारत, जिसका जिक्र मंत्री से योगी आदित्यनाथ ने कहा, वो तस्वीर दिखाई जाए। शायद योगी जी को नहीं जानकारी होगी कि ये लाल इमली की इमारत है। मंत्री ने कहा है लाल इमली, और यह भी बताया कि यहां का एक सपा नेता लोगों को आग में झोंकने का काम करता है। इशारा इरफान सोलंकी और उनके परिवार पर था। यह है सपा सरकार, यहां पर सपा सरकार में गुंडागर्दी इस इलाके में देखी है। यह बात योगी आदित्यनाथ ने कही और समाजवादी पार्टी उनके नेताओं पर उन्होंने निशाना भी साधा। योगी ने कहा कि जब राष्ट्रपति कानपुर में थे तब यहां का विधायक दंगे की साजिश रचता था। वो बातें कोई पुरानी स्मृतियां शायद योगी जी को याद आ गई होंगी, क्योंकि रामनाथ कोविंद भी कानपुर
वो कानपुर देहात से ताल्लुक रखते हैं, और उस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई होगी जो योगी जी के मानस पटल पर अंकित हैं। निशाना इरफान सोलंकी और उनका परिवार वो कह रहे हैं कि आज वो विधायक नहीं रहा और अपने कर्मों की सजा भोग रहा है। आप लोगों ने कन्नौज का नवाब कांड सुना होगा, समाजवादी पार्टी के नेता रहे नवाब सिंह का जिक्र किया उन्होंने और कहा कि उसने एक बेटी की इज्जत से खेलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ कुछ राजनीतिक मसलों पर भी बोले और कहा कि कानपुर का सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन ने किया है। इससे पहले तमाम लोगों ने संबोधित किया, बहुत सारी बातें की, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है कि आजादी के बाद लगातार कानपुर की लोकसभा सीट वामपंथी जीतते रहे हैं। पहली बार 1980 में आरिफ मोहम्मद खां यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते, 84 में दादा नरेश चतुर्वेदी, 89 में कॉमरेड सुभाषिनी अली जनता दल के टिकट पर, उसके बाद लगातार जगत वीर सिंह द्रोण 3 बार एमपी रहे, फिर कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल 3 बार एमपी, 2 बार मिनिस्टर, और 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी का एमपी है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का एमपी चुना गया है। और योगी जी ने कहा कि कानपुर का सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन ने किया है, तो इसका हिसाब किताब भी विपक्ष करेगा, मांगेगा कि भाई कैसे, क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। बहुत सारे सवाल हैं। आज योगी ने लाल इमली को लेकर, कानपुर की औद्योगिक स्थिति को लेकर क्या कहा, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये राष्ट्रीय चैनल है और एक शहर का मुद्दा लेकर आप बैठ गए। नहीं जी, नहीं, ये एक शहर का मुद्दा नहीं है। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक समय सर्वाधिक सरकार को केंद्र और प्रदेश की रेवेन्यू देने वाला शहर आज दूसरे तीसरे नंबर पर चला गया है। सबसे ज्यादा चेतना का शहर, क्रांति के जो आजादी की क्रांति का केंद्र कानपुर, भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन आरएसएस का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश में कानपुर, राम मंदिर आंदोलन का जो बीज पड़ा, जो भ्रूण स्वर्गीय अशोक सिंघल ने डाला, वो कानपुर का वीराना रोड। तो कानपुर अपने आप में, और लोग तो यहां तक कहते हैं कि अगर राजनीतिक पैरवी हुई होती तो कानपुर ही राजधानी होता। कुछ लोग कानपुर को दूसरी काशी भी कहते हैं कि 99 यज्ञ सफल हुए थे, एक यज्ञ में किसी ने हड्डी डाल दी थी और विघ्न पड़ गया तो कानपुर काशी बनते रह गया। तो कानपुर ऐसी महिमा का शहर है, एक से एक यहां क्रांतिकारी नेता यहां पैदा हुए हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नेता इसी कानपुर में पैदा हुए। मजदूरों का चूंकि आज जिक्र हो रहा है, मिल का जिक्र हो रहा है, इसमें पुरुषोत्तम दास टंडन को याद करना बहुत जरूरी है। हमने अपने वरिष्ठों से सुना है, कांग्रेस के तमाम पुराने लोगों से सुना है कि पुरुषोत्तम दास टंडन सांसद थे और कभी नेहरू जी को लेकर कोई उनसे नातीखाफी हुई और उन्होंने एक तरीके से बिल्कुल राजनीति को ही किनारे कर दिया। उन्होंने कहा भाई मजदूरों को तो आपको देना पड़ेगा अहमियत। तो कांग्रेस के लोग बीच आज़ादी के बाद सांसद होते रहे, फिर वामपंथी आए तो बहुत कम रहा, लेकिन लगातार 3 बार द्रोण जी और 3 बार सीए, तो बीजेपी का एक बार कानपुर को एक गढ़ माना गया। लेकिन बात लाल इमली मिलों की, तो क्या योगी आदित्यनाथ कोई संकेत दे रहे हैं, कोई संदेश दे रहे हैं क्या कि कानपुर की मिलों का रिवाइवल होगा और उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर जो स्वरूप है, औद्योगिक शहर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर कानपुर का या पूरे उत्तर प्रदेश का जो औद्योगिक स्वरूप है, क्या उसकी दूरी कानपुर बनेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। योगी आदित्यनाथ को सुनिए। बहन और भाइयों, आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है।
लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे? बहनों भाइयों, मैं भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था, और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है क्या है? खन्ना जी ने कहा हां, यही लाल इमली है। बहनों और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी, क्यों बंद हो गई? एक कांग्रेस के बेमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है, जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बनकर के चिढ़ा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है लाल इमली का पुनरुद्धार करने के एक बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने तो ऐलान कर दिया कि भाई लाल इमली को बहुत बड़ा पैकेज देकर बाईफर में बहुत लंबा बवाल चला, सुनवाइयां चली कि लाल इमली को सिख यूनिट घोषित किया जाए ना किया जाए। हम लोगों ने सैकड़ों खबरें लिखी होंगी कि बाईफर में आज लाल इमली को लेकर ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती रहीं, बहुत सारे पुराने लोग जानते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, मदन मोहन शुक्ला कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार मदन मोहन जी। मदन मोहन जी ने कानपुर के उस स्वर्णिम औद्योगिक स्वरूप को भी देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, मिलों को देखा है, आबाद होते बर्बाद होते। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, एक 40 साल का लगभग पत्रकारिता का लंबा अनुभव हमारे अग्रज शैलेश अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार शैलेश जी आपका। समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता रजत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं। रजत मिश्रा, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। संजय गावा साहब को हमने दिल्ली से जोड़ा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के। बहुत स्वागत संजय गावा जी, बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपका। गंगेश्वर दत्त शर्मा नेता सीटू हमारे साथ जुड़े हैं, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन NCR से, आपका भी बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे कोई हमारे साथ जुड़ेंगे ऐसा मैंने अनुरोध किया था। मदन मोहन जी से मुझे लगता चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए, फिर मैं कर्मचारी नेताओं के पास जाऊंगा। मदन मोहन जी, योगी जी ने कहा कि आप लोगों ने तो भ्रष्टाचार का स्मारक बना दिया लाल इमली को, और योगी जी आज बड़े व्यथित हो गए और उन्होंने कहा कि भाई हम इसको रिवाइवल, इसको पैकेज दे देंगे, एक मोटा पैकेज दे के उनकी सरकार ऐसा करेगी, ऐलान कर दिया तो बड़ी खुशी की बात है। कम से कम कानपुर के एक मौजूद नेता होने के नाते, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता होने के नाते, आप लोगों को तो आज मिठाई उठाई बांटनी चाहिए कि जो काम आप लोग नहीं कर सके उसका ऐलान मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। मदन मोहन जी, दुर्गेन जी, प्रधानमंत्री से बड़ा तो मुख्यमंत्री नहीं होता है। जैसा आपने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री भी घोषणा करके जा चुके हैं यहां से, भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत बड़े नेता थे वो। मुझे खुशी होगी कि अगर किसी तरह से लाल इमली वो चालू करा दे तो मुझसे खुशी होगी, पूरे कानपुर खुशी होगी, मैं उनको बधाई दूंगा। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं समझता हूं भ्रष्टाचार किसी से छिपा हुआ नहीं है। चाहे अभी महाराष्ट्र में हमारे जो प्रतिमा गिरी है, उसका गिरने के बाद देखा गया कि हवा के झोंके से गिर गई, और कई हजारों करोड़ की लागत से बनाई गई थी। वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिवाजी महाराज की मूर्ति जो गिरी है। अभी पहली बरसात में राम मंदिर टपकने लगा, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। पहली बरसात में ही नई संसद टपकने लगी, जहां नीचे तब रखा गया था टपक रही थी। ये सब भ्रष्टाचार दिखाई पड़ा है जो जनता ने देखा। आज तक आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया था, आज भी खड़ी हुई है। एक नहीं सैकड़ों मूर्तियां लगी हुई है, महात्मा गांधी कानपुर में लगी हुई है, राजीव गांधी की लगी हुई है। भ्रष्टाचार के मामले में तो अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार न कुछ कहे तो ज्यादा अच्छा है, जनता अच्छी तरह से जानती है।
कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोहन जी भी आए थे और घोषणा कर रहे थे कि सीसामऊ का नाला बंद करा दिया गया है, जो नहीं बंद हो रहा था। आज भी सीसामऊ का नाला चल रहा है, आप भी देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा, सीसामऊ का नाला आज भी नहीं बंद हुआ। प्रधानमंत्री घोषणा करके चले गए, सीसामऊ का नाला मैंने बंद करा दिया। ये घोषणाओं की सरकार है। और जहां तक विकास की बात है, कानपुर में 200 बसों की बाडी प्रतिमा सेंट्रल वर्कशॉप में बनती थी, आज सेंट्रल वर्कशॉप बंद है, वहां 5-7 बसें भी महीने में नहीं बन पा रही। जहां 220 हम थे परिवहन निगम के डायरेक्टर थे, 200 अधिक बसें कानपुर बनती थी सेंट्रल वर्कशॉप बंदी के कगार पर। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए माना जाता था, टेस्को बंद है। आज उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के बारे में कोई प्रोत्साहन नहीं हो रहा, कानपुर टेक्सटाइल और चमड़ा उद्योग के लिए जाना चाहता था। कानपुर में जो मलिन बस्तियां हैं, जिनको सरकारी उनको संरक्षण मिलना चाहिए, जिनको उनको मान्यता मिलना चाहिए, आज जो दलित 40-40, 50-50 साल से सरकारी आवासों में रह रहे हैं, उनको खाली कराने का नोटिस दे दिया गया। आज यहां पर जितने सफाई कर्मचारियों के पद रिक्त हैं कानपुर में, उत्तर प्रदेश की छोड़ दीजिए, पूरे कानपुर में केवल कह रहा हूं, आज उन सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को न भर्ती करके पैसा लेके आउटसोर्सिंग के माध्यम से, ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से वहां भरा जा रहा है। आज ये इस प्रकार से यहां पर दलितों का शोषण हो रहा है, आज यहां पर किस प्रकार से नौजवानों का शोषण हो रहा है। कहीं भी चले जाइए, तहसील से लेकर के आरटीओ तक में बिना पैसे का काम नहीं होता। मैं योगी आदित्यनाथ जी की घोषणाओं का स्वागत करता हूं, अगर वो कुछ कर सके तो, लेकिन कानपुर में ना रोडवेज में भर्ती हो रही, जो रिक्त पद खड़े हुए हैं सब ठेकेदारी पे भर्ती हो रही है, ना नगर निगमों में भर्ती हो रही है। आज जो ये गरीबों का जो शोषण हो रहा है, रेलवे स्टेशन में चले जाइए आप देखिए, किसी पूछे सफाई कर्मचारी से तो एक कोई गुजरात का वहां ठेकेदार है और उसके अंदर में 8,000-9,000 रुपए लोगों को सफाई कर्मचारियों को मिल रहे हैं, जो रात में 12 बजे सफाई कर रहे हैं। आज इस प्रकार से जो दलितों का, गरीबों का और छोटे लोगों का शोषण हो रहा है, ये शोषण बंद होना चाहिए। अगर केवल घोषणाओं से काम चलता हो, मैं जानता हूं यहाँ क्यों आए थे, क्योंकि सीसामऊ के एक बाय इलेक्शन होना, तो उनको घोषणाएं करनी थी, अच्छी बात है घोषणाएं करें, कुछ करें, अगर हो जाएगा तो मैं समझता हूं सभी लोग स्वागत करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जब घोषणा नहीं पूरी कर सके, एक नाला नहीं ठीक करा सके, तो लाल इमली क्या ठीक कराएंगे, मुझको इस पर संदेह होता है। मैं एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि माननीय योगी जी अपना मंत्रिमंडल, जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं और जो लोग हैं जो कानपुर में केवल वसूली के लिए मीटिंग करने आते हैं, अगर उन्हीं को ठीक कर लें तो मैं समझता हूं भ्रष्टाचार में काफी गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप है, भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे तो मैं पूछूंगा, ये बहुत गंभीर आरोप है मदन मोहन जी, और मुझे एक ब्रेक भी लेना है। तो वास्तव में बहुत गंभीर आरोप मदन मोहन जी लगा रहे हैं कि भाई जो डिप्टी सीएम बीच बीच में आते रहते हैं वसूली करने के लिए आते हैं, गंभीर आरोप है कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी के नेता से मैं जवाब लूंगा, फिलहाल एक ब्रेक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा वादा कर दिया, कहा कानपुर को लाल इमली लपटाऊंगा, और बड़े बाकायदे एक लंबे चौड़े पैकेज का भी ऐलान कर दिया। कानपुर वाले बहुत प्रसन्न हैं और कुछ लोग सन्न भी हैं कि अरे तो कहीं कुछ चर्चा ही नहीं थी, योगी जी ने छक्का मार दिया। खैर, अब अभी जो मदन मोहन जी ने कहा कि एक उपचुनाव भी है और 10 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर हो रहे हैं, उसमें प्रमुख एक महत्वपूर्ण सीट कानपुर का सीसामऊ भी है, वहीं ये कार्यक्रम था उसी क्षेत्र में। थोड़ा इससे ऊपर उठ के जरा हम बात करना चाहेंगे संजय गाबा से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के संजय गाबा। लाल इमली कानपुर में स्थित है, लेकिन एक वक्त लाल इमली पूरे देश में और खासतौर पर उत्तर भारत में एक ऊनी वस्त्रों का एक बहुत बड़ा जो एक बहुत बड़ी मिल थी जो उन्हीं वस्त्रों को सप्लाई करती थी, बहुत एक वजूद था लाल इमली के कपड़े, लाल इमली के मफलर, लाल इमली के शॉल, लोई, इनको प्राप्त करने के लिए मतलब काफ़ी लोग पापड़ भी बेलते थे, सिफारिश भी लगाते थे कि जरा मुझे यार ये दिलवा दो, वो दिलवा दो। ऐसी महत्वपूर्ण यूनिट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बंद हुई। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि आप लोग भ्रष्टाचार का, जो कांग्रेस है वो भ्रष्टाचार
के स्मारक खड़े करती हो, लाल इमली की तरफ भी उन्होंने इशारा किया है और वो कह रहे रिवाइव करेंगे। संजय गाबा, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, और जितने भी साथी अभी पैनल में हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूं। देखिए, भाजपा का तो ये हाल है, दिल्ली कपड़े बदलने को देशभक्ति राष्ट्रभक्ति समझते हैं, और योगी जी जो बैठे वो शहरों के नाम बदलने को देश समझते हैं। वोट लगे घटने तो डर के मारे खैरात लगी बटने। भाई अभी इन्होंने बोला कि ये कांग्रेस की विफलता का स्मारक है। आपको ध्यान हो, 9.5-10 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था मनरेगा कांग्रेस की विफलता का स्मारक, अगर किसी को बोला तो ध्यान हो तो। जी जी जी। और वो मनरेगा जिसने क्योंकि मैं थोड़ा सा भूमिका पे बात कर रहा हूं, मनरेगा वो संजय गावा की आवाज नहीं मिल पा रही, ठीक है, देश में एरिया था, वर्ल्ड बैंक उसके कायल है। मैं थोड़ा सा ट्रैफिक में हूँ और बहुत देर से जाम में फंसा हुआ हूँ, तो हो सकता है उससे ऑडिबल ना हूँ। नहीं नहीं, आप अगर परमिशन दे तो मैं अपना वीडियो बंद कर दूँ। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, वीडियो बंद कर दूँ, शायद ठीक हो जाए। नहीं, आपको सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए, अब ठीक है। मोदी और योगी जी ने ठीक है अभी अनाउंसमेंट कर दिया, हम स्वागत कर रहे हैं, अगर वो उसको कुछ पैसा ला करके चालू करवा देंगे। जी, आप वीडियो बंद कर दिए, वीडियो बंद कर दिए। संजय गावा का चित्र लगा के उनसे बात की जाए। अगर मजदूर को रोजी रोटी मिलेगी तो हम योगी जी का धन्यवाद करेंगे, लेकिन इनकी नजर पड़ी होगी फैक्ट्री पे, इनको लगा होगा अरे भाजपाइयों की तरफ से ये बिकने से कैसे रह गई, क्योंकि मोदी जी योगी जी को जो नजर आता है खबर देते होंगे दिल्ली में, रेल बेच दो, बेल बेच दो, सेल बेच दो, तो इनको ये लगा होगा अरे बंद पड़ी हुई जमीन कैसे बिकने को रह गई, पहले इसको हाईलाइट करो, बाद में पैसा दे करके अडानी अंबानी किसी को हम इसको प्राइवेटाइजेशन करके बेच देंगे और पैसा कमाएंगे। तो भ्रष्टाचार की बात तो ये लोग ना करें, तो इनके मुंह से मतलब हद होती है बात की हाइट। मैं ऑडिबल हूं? हाँ, सुनिए, बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं आपको, बोलिए। ठीक है, अभी अभी मैं भ्रष्टाचार का इन्होंने नाम लिया, रोजगार देने का नाम लिया, अभी जो संजय गाबा की आवाज मिल नहीं रही, मैं बाद में संजय गाबा को लूंगा। शैलेश अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, शैलेश जी को लेता हूं। शैलेश जी ने वर्षों तक मिल मजदूरों, मिलों की दशा, इसको लेकर एक तमाम रिपोर्टार्ज लिखे हैं, तमाम खबरें लिखी हैं। शैलेश जी, ये तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी खबर है, देश के लिए मैं मानता हूं बहुत अच्छी खबर है कि भाई लाल इमली खुलेगी, लेकिन जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, मदन मोहन जी ने भी कहा और राष्ट्रीय कामगार कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं संजय गाबा, वो कह रहे हैं कि अब नजर देर से पड़ी, ये भी गया। अब शैलेश जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, फोन अनम्यूट करिए। जी शैलेश जी का भी आवाज कुछ दिक्कत कर रही है। हाँ, शैलेश जी का फोन ठीक करा जाए। मैं रजत मिश्रा को लूंगा, रजत मिश्रा। हेलो, हाँ बोलिए 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 बोलिए, हमारी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ बोलिए बोलिए शैलेश जी, बोलिए कृपया। हाँ देखिए दुर्गेन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने लाल इमली का मुद्दा फिर जिंदा कर दिया। अगर हम इसके थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो लाल इमली का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था
जी 1981 में जी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जी दो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव संसद में लाया गया था, उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था जी। तो मिल अभी भी कागजों में जिंदा है जी, मिल अभी बंद नहीं हुई है जी। और ये बड़ा सुखद समाचार है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी घोषणा की है कि लाल इमली अगर चलेगी तो लाल इमली पूरी दुनिया के लिए एक नजीर होगी अगर वाकई लाल इमली दोबारा चलती है। अब इसमें संदेह कहां कहां आता है जी, जी। संदेह ये है कि लाल इमली के रिवाइवल पैकेज के लिए ये 1992 से लगातार बात चल रही है। कानपुर के कई नेताओं ने सीधे जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उनके साथ मीटिंग हुई थी और उसमें यह तय हुआ था कि लाल इमली का रिवाइवल किया जाएगा जी। लेकिन संभवतः 2007 में लाल इमली के लिए एक विशेष पैकेज दिया गया जब श्री प्रकाश जायसवाल संभवतः गृह राज्य मंत्री थे। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। इन्होंने पहल की, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और ये तय हुआ और इसमें कुछ रुपया भी रिलीज किया गया था, मुझको ठीक से ध्यान नहीं है, शायद 176 करोड़ रुपया था। सही, बिल्कुल यही राशि है। कुछ बकायेदारी थी वो देनी थी, कुछ मजदूरों के वेतन बकाए थे वो देने थे और मशीनों को अपग्रेड किया जाना था। क्योंकि जब देखिए अंग्रेजों के जमाने में ये मिल बहुत शानदार तरीके से चलती रही। 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू कानपुर आए थे और लाल इमली का भ्रमण किया और यहाँ के मजदूरों से कहा था हमारे सैनिकों के लिए जो ठिठुर रहे हैं उनके लिए कंबल की जरूरत है, आप बताइए हमको कैसे कंबल बना के देंगे। लगातार 3 दिन दिन रात यहाँ के मजदूरों ने काम किया और 1.5 लाख कंबल 3 दिन में बना करके उन्होंने उन सैनिकों को भेजे जो वाकई ठिठुर रहे थे। ये लाल इमली बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी शैलेश जी, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। लाल इमली की महत्ता, लाल इमली की महिमा जो लोग नहीं जानते वो आपने बताई, बहुत धन्यवाद आपका जी। बोलिए। तो मैं ये कह रहा था इसकी ये हैसियत थी लाल। इसके बाद लाल इमली ने जब गारमेंट्स बनाने शुरू किए, बने बनाए कपड़े, टोपी, मफलर और पीड यहाँ की, सूट यहाँ के, कंबल यहाँ के, आप यकीन माने दुर्गेन जी, अगर आपने यहाँ की लेडी लेस्ली ऊन के स्वेटर पहने होंगे जो आपकी माँ ने कभी बिन के आपको पहनाए होंगे जी, जी। तो भयंकर सर्दी में भी पसीना छूटता था जी। ये लाल इमली की हैसियत थी। दूसरी बड़ी बात थी कि यहाँ मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, अति निम्न मध्य वर्ग, उसकी भी हैसियत के मुताबिक कपड़े बनते थे और वो भी सर्दियों में अपना बदन ढक लिया करता था, वो सर्दी से बच जाता था। अब गड़बड़ी कहां से शुरू हुई? जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों की भर्ती शुरू हुई। यहाँ के चेयरमैन बने देवकी नंदन दीक्षित, और आपको ये बता दें कि यहाँ का चेयरमैन दिल्ली से तय होता था, प्रधानमंत्री तय करती थी कि यहाँ का चेयरमैन कौन होगा। जी, जी। देवकी नंदन दीक्षित उनके बहुत खास थे और यहाँ वो चेयरमैन बने। उसके बाद बहुत सारी भर्तियां हुई, कुछ भर्तियां ऐसी भी हुई कि जिस डिपार्टमेंट में जरूरत है 10 आदमी की तो भर दिएगा 18 आदमी। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, जब सरकारी नौकरी हो गई, अब नौकरी जानी तो है नहीं, आराम से लोगों ने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे वो अनुशासन क्षीण होता चला गया। और सबसे बड़ी बात, इन मिलों का अपग्रेड नहीं किया गया समय के मुताबिक, मिलों में आधुनिक मशीनें नहीं लाई गई, मजदूरों को उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं दी गई। और जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उनकी बड़ी बड़ी मिलें आ गई, बहुत सारा विदेश से कपड़ा आने लगा, तो धीरे धीरे लाल इमली की हैसियत घटने लगी। लेकिन सुखद बात यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने कोई घोषणा यहाँ की है तो मेरा मानना है उनकी अभी तक की जो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें हुआ, कहीं ना कहीं लाल इमली के रिवाइवल की बात चली है। वो दिन दूर नहीं, मैं यकीन से आप कहता हूँ, अगर लाल इमली खाली हो गई तो उत्तर प्रदेश अपने पुराने औद्योगिक स्वरूप। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात शैलेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात। गंगेश्वर दत्त शर्मा को लूंगा, सीटू के नेता है गंगेश्वर जी। शैलेश जी ने जिस तरीके से लाल इमली की महिमा को रखा, मुझे लगता है उससे बेहतर
कौन बता सकता है कि विश्व स्तरीय जो मिल लाल इमली, और जिस तरीके से शैलेश जी ने कहा कि भाई जब लाल इमली की ऊन से माताएं स्वेटर बुनती थी तो वो गर्माहट, माँ के प्यार की भी गर्माहट और साथ में लाल इमली भी, तो मेरे पास भी एक कोट और एक दो पुराने स्वेटर अभी भी पड़े हुए हैं, तो अच्छा लगता है कभी कभी मैं इस शो पर वही वाला लाल इमली वाला कोट पहन कर आता हूँ, आज मुझे ध्यान नहीं था ना मैं वही वाला पहन कर आता जरूर। तो निश्चित तौर पर बड़ी अद्भुत है, और शैलेश जी इसको और आगे देख रहे हैं, वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी औद्योगिक रिवाइवल की बात हो रही, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अक्सर ये आरोप लगता है कि ट्रेड यूनियन ने मिलों को बर्बाद कर दिया, लूटा, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। गंगेश्वर जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। गंगेश्वर जी अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे। बोलिए जी। गंगेश्वर जी बोलिए। जी शुक्रिया आपका, बहुत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपने चर्चा का आयोजन किया जी। योगी जी की जो घोषणा है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये घोषणा भाजपा सरकार की नीतियों से मेल नहीं खाती है। जब तमाम मिलों को बेचने की जो सरकार की मंशा है, पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को जो धीरे धीरे जो खत्म किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, उस समय इस तरह की घोषणा अपने आप में जो है अनोखी बात है। अगर ये लागू होती है और लाल मिल को चालू किया जाता है तो ऐतिहासिक कदम होगा जो है, इससे कानपुर के लोगों को तो फायदा मिलेगा ही और बड़ी संख्या में मजदूर भी इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन लगता नहीं है कि सरकार की घोषणा जो है उस मिल को चालू करके जो है उसके स्वरूप में दोबारा से लाने की है, क्योंकि जिस तरह की सरकार की पॉलिसी है। हमें पॉलिसी पर ही थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ, कानपुर से निकल कर वाजपेयी जो भाजपा के बहुत ही जो है सम्मानित नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनकी बातों पर पूरा देश विश्वास करता था, वो जब घोषणा करने के बाद उसको जो है लागू नहीं करा पाए। मोदी जी और योगी जी तो जुमलेबाजी के लिए जाने जाते हैं, तो क्या ये लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा एक बड़ा एक सवाल है। अगर लागू होता है तो पूरा प्रदेश जो है योगी जी का आभारी होगा, और जिस तरह का टेक्सटाइल उद्योग का आज जो हालत है वो सरकार की नीतियों के कारण जो है पूरा टेक्सटाइल उद्योग पूरे देश के अंदर जो है बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा है, क्योंकि आर्थिक उदारीकरण की जो नीतियां शुरू हुई उससे पुराने तमाम जो उद्योग जो है बंद हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी मिलें बंद पड़ी हैं, और इसको शुरू करने की जो बात कही गई है अगर इस पर काम होता है आगे बढ़ती है प्रक्रिया तो बहुत हम जो है आभारी रहेंगे उनके जो है। तो हम समझते हैं कि लाल मिल का अपना एक महत्व रहा है और कानपुर नहीं पूरे प्रदेश के लिए जो है उसका एक जो है विशेष स्थान था, तो इतने लंबे समय बाद अगर जो है घोषणा की गई है तो अच्छी बात है, कम से कम उन्होंने सुध ली है उसकी जो है। लेकिन जिस तरह सार्वजनिक क्षेत्र आप BSNL देखोगे पूरा उन्होंने खत्म कर दिया, बिजली विभाग का आप स्थिति देखिए धीरे धीरे जो पूरा वो खत्म करने जा रहे हैं, तमाम जो है सरकारी विभाग को जिस तरह जो है निजीकरण किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के जो आज हालात है वो सबसे बदतर स्थिति में है। आज उत्तर प्रदेश में मजदूरों का जो न्यूनतम वेतन है मात्र जो है 12,000-13,000 के बीच में है, दिल्ली के अंदर जो है 19,000 के आसपास है। जब से योगी जी आए हैं तब से एक बार भी मजदूरों के वेतन में रिविजन नहीं किया गया है। 2015 में जो है वेज रिविजन हुआ, हर 3 साल में मजदूरों का जो है वेज रिविजन होता है, लेकिन जो है 7-8 साल होने के बाद भी जो है मजदूरों के वेज रिविजन की बात नहीं की गई है। तो जिस तरह मजदूर विरोधी नीतियां उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार लागू कर रही है, अभी जो श्रम कानूनों में बदलाव किया है और उद्योगपतियों को जिस तरह उन्होंने जो है छूट दी है, तो उससे हम समझते हैं कि ये घोषणा कुछ मेल नहीं खा रही है, और किस तरह इसको जो है वो सिरे चढ़ाएंगे ठीक बात है, ये एक आने वाले समय में ही पता लगेगा। ठीक है गंगेश्वर जी, मैं लौटूंगा मैं इस चर्चा में एक बार फिर से संजय गाबा को शामिल करना चाहता हूँ। संजय गाबा,
अभी गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि जो घोषणा और बीजेपी की जो केंद्र सरकार मेल नहीं खाती। एक तो अगर इतनी बड़ी घोषणा, लाल इमली कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कोई छोटी मोटी मिल नहीं है। शैलेश जी ने बताया कि विश्व स्तरीय मसला है और उसका प्रभाव पूरे देश में है। नेहरू जी ने कहा था सैनिकों के लिए कंबल बनाकर कितने दिन में दोगे, उन्होंने एक राष्ट्र का मिशन मानकर यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मजदूरों ने 1.5 लाख कंबल सैनिकों के लिए के बना के दिए। तो लाल इमली का राष्ट्रहित में महत्व है। राष्ट्रीयकरण की बात की, इंदिरा गांधी ने 81 में उसका राष्ट्रीयकरण किया, तो वो सारे तत्व, वो सारे अवयव हैं। जैसा शैलेश जी कह रहे हैं कि अभी वो कागजों में ये मिल जिंदा है। अब ये बड़ा आश्चर्यजनक है, हालांकि आश्चर्यजनक किंतु अगर सत्य हो जाए तो बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर इतना बड़ा किसी रिवाइवल की घोषणा करनी होती तो मुझे लगता मोदी जी आते। योगी जी को कम से कम ये अवसर तो नहीं देने वाली थी बीजेपी के लोग, जिस हिसाब से स्थिति परिस्थिति है केंद्र और राज्य के बीच में, या फिर इसके पीछे कोई चुनाव देख रहे हैं, कोई तीसरा एंगल देख रहे हैं। संजय गाबा, जी तो मैं माफी चाहूंगा, मैं ट्रेवल में हूँ और जहां पर मैं चल रहा हूँ यहाँ नेट की स्थिति बड़ी खराब है। बोलिए तो, बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको, बोलिए। अच्छा देखिए, उस समय भी बात कट गई थी, ये भाजपा के जेनेटिक में उसमें ही नहीं है कि ये लोग रोजगार दें या खासकर सरकारी उपक्रम को चलाएं। एक से एक सरकारी कंपनियां ये बेचते जा रहे हैं, इनके दिल्ली बैठे हुए मोदी जी जो एजेंट हैं, मतलब मुझे कहने में कोई संशय नहीं है, देश की सारी संपत्ति अडानी अंबानी के पैरों में डाल दी। भाई पैसा तो वहां से आना है, इन्होंने क्या फोन करके परमिशन ली मोदी साहब से कि आप पैसा क्या? संजय गाबा को फोन पर जोड़ दिया जाए और उनकी तस्वीर लगा दी जाए, मैं उनको दोबारा लेना चाहूंगा। रजत मिश्रा फिर से आ गए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता शिवांग मिश्र हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत दोनों मेहमानों का पुनः। रजत, मैं आपके पास आ रहा हूँ। योगी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, जिस तरीके से कहा कि भाई ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार, लाल इमली को लेकर मैं आज फोकस कर रहा हूँ क्योंकि लाल इमली कोई छोटी मोटी मिल नहीं है, विश्व प्रसिद्ध, और बहुत सारे उसमें संवेदनाएँ जुड़ी हैं देश की, राष्ट्रवाद उसके उसमें निहित है, एक 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 धागे में राष्ट्रवाद है। तो इस पर हम जो आज चर्चा कर रहे हैं कि अचानक बड़ा सरप्राइज किया योगी जी ने, एक तो कहा कि भाई ये भ्रष्टाचार का स्मारक कांग्रेस ने खड़ा किया, और दूसरा समाजवादी पार्टी आपके नेता इशारों में जो आपके विधायक अब नहीं हैं उनको कहा कि वो गुंडागर्दी, बदमाशी, माफियागिरी, आग लगाते थे, दंगा कराते थे, इस तरह की बातें की हैं। धन्यवाद दुर्गेन जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जी, आपने मुझे यहाँ पे जगह दी और पैनल में जुड़े सभी मेहमानों का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। देखिए, इस सबको पता है कि आपकी जो ये सभा थी माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा, ये केवल एक चुनावी स्टंट था। ये उसी विधानसभा में आकर के चुनावी स्टंट करना और घोषणा करना कि लाल इमली को हम पुनः चालू करेंगे, तो मैं यही पूछना चाहूंगा क्या उसके लिए कोई रोड मैप पहले से तैयार है? ऐसा बिल्कुल नहीं है योगेंद्र जी, क्योंकि अगर ये जनसभा जेके जूट मिल के बगल में होती तो वो कह देते कि हम जेके जूट मिल को चालू करेंगे। ये जनसभा अगर मेयर मिल के बगल में हो रही होती किसी मैदान में तो कहते कि हम मेयर मिल को चालू करने की घोषणा कर रहे हैं। तो ये केवल चुनावी स्टैंड है, ये अपने किसी भी वादे पे कभी नहीं खरे उतरे हैं और इसमें भी नहीं खरे उतरेंगे। और रही बात सीसामऊ विधानसभा चुनाव की, तो जिस तरीके से उन्होंने केवल एक विधानसभा की 9 वार्डों को उन्होंने 39 करोड़ रुपए की घोषणा करी है, इससे पता चलता है कि किस तरीके से उनके मन में द्वेष भरा हुआ है। सीसामऊ विधानसभा हमेशा से समाजवादी पार्टी की रही है और आगे भी रहेगी। माननीय जिनको बात कर रहे हैं वो केवल किसी एक वर्ग के नेता नहीं है, उस विधानसभा से हर वर्ग का वोट उनको मिलता है। आज सीसामऊ विधानसभा के अंदर जो भी काम हुआ है वो दोनों हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है, और यही कारण है पिछले जो है 6 बार से वहां पे जो है हमारे सोलंकी जी वहां पे विधायक हैं। तो किस तरीके से पक्षपात की राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम लोग कहते हैं ये भारतीय जुमला पार्टी है। तो ये इनके जुमले मात्र हैं कि हम लाल इमली को चालू करेंगे और कानपुर को मैनचेस्टर बनाएंगे। ये यूपी का मैनचेस्टर रहा है कानपुर, और पिछले आप जैसा बताया कि जगतवीर सिंह धोनी जी यहाँ पे सांसद रहे पिछले 15 साल, और फिर आपके जो पचौरी जी सांसद रहे, तो बात कानपुर की, तब इनके दिमाग में ये बातें नहीं आई हैं।
और आगे भी ये नहीं करेंगे, ये इनकी मंशा आप साफ समझ लीजिए। अच्छा ये 9 वार्ड और 16 वार्ड वाला मसला क्या है रजत बाबू, ये बताओ जरा 9 वार्ड 16 वार्ड क्या मामला क्या है? ये आज ट्रेंड भी कर रहा है कानपुर को लेकर 9 वार्ड 16, ये मसला क्या है? ये खबर है तो ये अंदरूनी खबर है भाई साहब, ये जो है किस तरीके से जो है 39 करोड़ रुपए का जो है धनराशि 9 वार्डों को विकसित करने की दी गई है। अभी किस उनके इसके पीछे क्या माननीय जी की मंशा है ये शायद आम आदमी के बस की समझ की बाहर है, लेकिन हम लोग उसको दूसरी दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि एक पक्षपात की राजनीति की जा रही है। अभी पीछे भी इनका एक बयान आया, बटेंगे तो कटेंगे। आप बताइए क्या एक मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसे बयान अच्छे लगते हैं? आप एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको ये और उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, आप कुछ भी हो आज आप अपने एक सम्मानजनक सीट पर बैठे हुए हैं, तो इस तरह की बोली इस तरह की भाषा आप उनसे शोभा नहीं देती है। ठीक है, मैं शिवांग मिश्रा को लेता हूँ, युवा नेता है शिवांग मिश्रा। समाजवादी पार्टी की सीता मऊ सीट एक गंगा जमुनी तहजीब को जो है क्या उदाहरण है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम या हर वर्ग का हमेशा से जो है हिस्सेदारी रही है उस सीट पे, और पूरी सीट के लिए बनगंगेश्वर मंदिर के लिए 50 लाख रुपए माननीय विधायक इरफान सोलंकी जी ने जो है दिया था, और वहाँ पे हिंदू भाइयों की जो है शादी विवाह के लिए उन्होंने जो है एक जो है बनाने का काम किया है। कोई बात नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए भाई, जब सारे लोग एक से हैं, सारी जनता जनार्दन है, नेता जब जनता को जनार्दन कहते हैं तो फिर सारे लोग उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। शिवांग मिश्रा को लेता हूं चर्चा में, रजत मैं आपको रोक रहा हूं। शिवांग मिश्रा एक तो बहुत मैं बहुत प्रसन्न भी हूं लेकिन मैं सरप्राइज भी हूं, क्योंकि हम लोगों ने लाल इमली को लेकर सैकड़ों की संख्या में खबरें लिखी होंगी प्रिंट मीडिया में रहते हुए, और रिवाइवल को लेकर सारे नेता एक पैर पर खड़े रहे कि रिवाइव हो जाए, वो मिल रिवाइव नहीं हुई। आज अटल माननीय अटल जी कह गए कि इस मिल से धुआं निकलेगा, मिल का तो धुआं नहीं निकला चिमनी से, लेकिन मिले का धुआं निकल गया। तो कुल मिलाकर ये आज बहुत सरप्राइज करने वाला एक सुखद योगी जी का ऐलान है। तो ये क्या कोई रोड मैप है, कोई बातचीत हुई है अंदर? क्योंकि इस तरह के काम तो प्रधानमंत्री जी ऐलान करते हैं, या फिर मुख्यमंत्री जी ने वो बागडोर संभाल ली है अभी से? शिवांग, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी को और माननीय मोदी जी को दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कानपुर के लाल इमली पर उन्होंने ध्यान दिया है, और मैं जितने भी अपने पैनल में जुड़े हुए लोग उनको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा उसको करने का काम किया है। चाहे उन्होंने आज कहा कि टैबलेट बांटने का काम करेंगे युवाओं को, तो 8,087 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटा है। अगर मुख्यमंत्री जी अपने काम ना कर रहे हो तो दूसरी बार सरकार बने काम ना कर, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने जनता का उन पर विश्वास था। अगर कानपुर से लोकसभा की सीट रमेश अवस्थी जीत के आए तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी विश्वास किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है कि लाल इमली शुरू करने जा रहे हैं तो इसका मतलब उनके मन में रोड मैप तैयार था, यहाँ के जनप्रतिनिधि के साथ बैठक की होगी, जनप्रतिनिधि साथ तैयारी की होगी, उसके बाद इतना बड़ा बयान देंगे। माननीय योगी जी ने आज तक जो भी कहा उसको सत्य करके जमीन पर उतारने का काम किया है, और लगातार बात हो गई मोदी जी से ना। शिवांग बाबू, बात मोदी जी से हो गई ना, खबर है आप लोगों को? क्योंकि मोदी जी पैसा देंगे ना, योगी जी थोड़े पैसा देंगे इसका। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कितनी बड़ी बात अगर इतने बड़े मंच से सबके सामने कही होगी तो निश्चित ही किसी बात के बाद ही कही होगी, और मुझे लगता है कि जनता को उन पर विश्वास करने चाहिए। सरकार जनता उन पर विश्वास करेगी, जनता तो विश्वास करेगी भाई, इतनी बड़ी घोषणा है तो जनता तो विश्वास करेगी। एक और छोटा सा सवाल है, ये 9 वार्डों 15 वार्डों वाला क्या मसला चल रहा है शिवांग? एक जो भी घोषणा है जी, बोलिए आप बोलिए। ये आने वाले चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता बौखला गए, जिस तरीके से उनके इरफान सोलंकी, जिस तरीके से उन पर मुकदमे लिखे गए, जिस तरीके से उनके राज खोले जा रहे हैं, जिस तरीके से उनके किए गए आडंबरों का सामने जनता ने, सबके सामने कोर्ट ने और पुलिस ने, कानपुर पुलिस ने जिस तरीके से दिखाया है, समाजवादी पार्टी भयभीत हो चुकी है। अब उनके पास कहने में कुछ नहीं रहा, उनके विधायक जिस तरीके से फंस चुके हैं और जेल में जिस तरीके से जा चुके हैं। ठीक है, एक सवाल ले लो। ये मैं रजत आ रहा हूँ, एक सवाल ले लें। 9 वार्डों वाला मसला, समाजवादी पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने केवल 9 वार्डों के विकास का एक रोडमैप प्रस्तुत किया है, वहां वार्ड 15 हैं। इशारा इन लोगों का यह है कि भाई मुसलमानों के वार्ड में विकास नहीं कराएंगे। 2 दिन पहले कहते हैं बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू। एक संवैधानिक पद पर बैठा नेता अगर हिंदू मुस्लिम करने लगा तो क्या होगा संविधान का? खूंटी पे टांग दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री सरकार ने, चाहे देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी योजनाएं दी होंगी उसका लाभ सबको प्राप्त हुआ है। कोई भी आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे घर बनाने की योजना हो, चाहे जनधन योजना हो,
कभी ये नहीं दिखाया गया कि इसमें मुस्लिमों को योजना नहीं दी जाएगी, सिर्फ हिंदुओं को योजना दी जाएगी। मुझे लगता है हिंदुओं से ज्यादा योजना भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी दिया होगा उसमें हिंदुओं ज्यादा मुस्लिमों ने उसकी योजनाओं का फायदा उठाया होगा। इसमें ये कहीं नहीं गया, कहीं भी योजना का लाभ लेने जाते होंगे तो ये कहा जाता होगा कि मुसलमानों की योजना ही देनी है। ठीक है, मुस्लिम ठीक है। रजत मिश्रा जवाब दो भाई, वो कह रहे हैं कि वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और आप लोग 9 वार्ड लिए घूम रहे हैं, क्या झूठे आरोप लगाते हैं भाई? 9 वार्ड लिए घूम रहे हैं हम लोग, सारे वार्डों में सारे जगह जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी है सब जगह विकास करने का काम करें, आगे भी इस तरीके विकास करने का काम करेंगे। हम जाति पात की राजनीति में कभी भी नहीं पड़ते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी विपक्षी दल लगातार ऐसे आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने का काम। बताओ भाई अजय रजत। दुर्गेन जी अगर अगर जात पात की राजनीति नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी तो ये बटेंगे तो कटेंगे का जो आया है बयान, ये तो सबको पता है कि किसने बोला है, पहली बात। और दूसरी जो मैंने कहा है, मैं पूरे पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, ये 9 वार्डों का जो है इसका पूरा डिटेल आप मांग सकते हैं, आप सम्मानित हमारे जो साथी बैठे हैं, ये सच है या नहीं है। मैं आपको लिस्ट उपलब्ध करा दूंगा आप जब भी कहेंगे कि जो किस तरीके से उन वार्डों में पैसा दिया गया है विकास कार्य के लिए, किस किस विकास के लिए दिया गया, पहली बात। और दूसरा कि बात तो सर्वहित सर्वजन की बात करने वाली पार्टी और किस तरीके से हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है, हमने समय समय पर देखा है। आप तो सबका फायदा लेते हैं, आपको जो है आपको सबका वोट चाहिए, आप वोट को नहीं बांट सकते हैं, लेकिन जनता को आप किस तरीके से जो है आपस में लड़ाने का काम करते हैं, यही इनका असली चालतंत्र और चेहरा है। अगर भारतीय जनता पार्टी वोट और काम कर रही है तो दूसरी बार सरकार में ना आती, उत्तर प्रदेश सरकार में। अगर उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाने का इतिहास उसने काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है तो सबने हम लोग को वोट किया, पूरी जनता ने वोट किया और जनता लगातार हम लोग को प्यार कर रही है, इसीलिए कानपुर में दोनों लोकसभा जीतने का हम लोग ने भी काम किया। भाई उत्तर प्रदेश को अभी मत भूलो यार, कानपुर जीत गए अच्छी बात है, लेकिन 33 पे रह गए ये क्यों भूल जाते हो आप लोग? उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल उसी को रफू कर रहे हो क्या कि लगातार जनता ने कपड़े फाड़े उसको रफू कर रहे हो क्या? जनता ने कपड़े फाड़ दिया आप लोगों को उत्तर प्रदेश में, कहीं कोई संदेह नहीं है। दुर्गेन जी दरअसल मुख्यमंत्री जी सीतामऊ सीट को अब जीतना नहीं चाहते हैं, ये जबरदस्ती छीनना चाहते हैं किसी भी तरीके से। अब उनका जीतना मकसद नहीं रह गया है, छीनना मकसद है और वो किसी तरीके से इस सीट को छीनना चाहते हैं। मत दो भाई, आप राजनीतिक दल हो, आप छीनने मत दो, क्या दिक्कत है? आपको चुनाव है विश्वास नहीं रह गया है क्या? बिलों का ट्रांसफर यहाँ से कर दिया गया, अगर आपको चुनाव है सर, बहुत सारी खबरें हैं अंदर, किसी दिन अलग खबर पर चर्चा करेंगे, मेरे पास वक्त नहीं, मैं एक बार मदन मोहन जी को मैं चर्चा में ले लेता हूँ, ठीक है? आप दोनों साथी शांत हो जाइए, लगभग बात आ गई। मदन मोहन जी, ये मसला जो लाल इमली का मसला है, ये चुनावी मसला भी है जैसा सब लोग कह रहे हैं, और अब ये नई बातें आ गई, हिंदू मुस्लिम 9 वार्ड 13 वार्ड ये भी शुरू हो गया, मुख्यमंत्री के बयान को रिलेट कर रहे हैं, 10 जो विधानसभा सीटें हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? आप लोग कहीं कुछ एक दो जीत पाएंगे कि सब भाजपा ही जीत जाएंगे? देखिए, ये उसको लगता है योगी जी के लिए कहा गया है या वो कह के आए हैं, अगर हम ये सीटें नहीं जीतेंगे तो शायद वो बदल दिए जाएंगे, इसलिए योगी जी इसकी पूरी प्रतिष्ठा लगाए हुए हैं। और इनका बेसिक फंडा ही केवल राजनीति का, केवल इनका बेसिक वही है, हिंदू मुसलमान, और कुछ है ही नहीं इनके पास जी। आप देखिए, चाहे जहां भर देखिए, ये हर चीज में हिंदू मुसलमान ही ले आते हैं। किसी मुख्यमंत्री के मुंह से मरो कटोगे या बटोगे, इसके जगह ही कह सकते थे कि आप बचोगे नहीं, ये तो कैसे, लेकिन कटोगे, इस तरह का आपराधिक भाषा बोलना इनके, जहां तक आपराधिक बात है, बिश्व शरण सिंह इनके यहाँ के नहीं क्या? आपके वो गृह राज्य मंत्री थे मिश्रा जी टेनी, जिनके लड़के ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, वो क्या गुंडे नहीं थे क्या? उनके आज जो प्रमाणित गुंडे हैं इनके पार्टी में, जो इनके दल में चला जाए वो ठीक हो जाएगा। आज जितने अपराधी हैं वो सब धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी की शरणस्थली बन गई है। आज जहां तक लाल इमली की बात है, समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी, लाल इमली की जो बात है, मेरी तो चिंता ये होती है कि अगर ये चल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। हाँ, मैं भी बहुत खुश होऊंगा। लेकिन कहीं सिविल लाइन की कीमती जमीन अडानी के देने के निगाह में तो नहीं है कि अडानी सौंप दिया जाए? ये सिविल लाइन कितनी महत्वपूर्ण, अरबों की जमीन है। अडानी अंबानी से आगे बढ़ नहीं रहे हो, आपका नेता भी नहीं बढ़ रहा। अरे कुछ राष्ट्रहित में योगी जी काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ की अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रहित में काम करने दो भाई जी। सीसामऊ का नाला गंगा में गिरने से नहीं रोक पाया,
घोषणा करके जाने के बाद कि सीसामऊ का नाला गंगा में नहीं गिरेगा, बंद हो गया है, उसके बाद भी गिर रहा है, इतनी बड़ी लाल इमली चलवा देंगे, इससे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या हो सकती है। लेकिन चुनाव की जगह घोषणा की जहां बात है, जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कोई और भी दिखाई पड़ती तो चालू करा देते, इस वक्त उनके दिमाग में 10 बाय इलेक्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, और मेरा अनुमान है कि 10 बाय इलेक्शन में अपनी जो इनकी 5 सीटें हैं वो 5 सीटें भी नहीं बचा पाएंगे, विपक्ष वाली सीटें तो छोड़ दीजिए, अगर ये 2 सीटें जीत जाए तो बहुत बड़ी बात। ठीक है शैलेश जी, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की, क्या इस घोषणा को आप राजनीति से देखते हैं, उपचुनावों से देखते हैं? शैलेश जी अंतिम टिप्पणी छोटी सी जी। मैं राजनीतिक मसलों में नहीं जाना चाहता, मैं तो सीधे लाल इमली पे फोकस करता जी। अगर मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाल इमली के लिए विशेष पैकेज हुआ है और इसका पुनरुद्धार करेंगे, तो बजाय इसके कि चुनावी मुद्दे से हट करके यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं, एमपी, एमएलए, मंत्री, सब लोग मिलकर मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं जाते हैं कि भाई साहब आप इतनी बड़ी घोषणा करके आए हैं, इसके लिए आगे बढ़िए। शैलेश जी दिक्कत ये है, वो कह रहे हैं अडानी को तो नहीं बेचे दे रहे हैं, यही दिक्कत है, तो कैसे जाएंगे, वो दिक्कत है भाई। देखिए अंतिम टिप्पणी प्लीज प्लीज, अब वक्त नहीं, शैलेश जी बोलिए, क्यों नहीं जाएंगे, तो जाना चाहिए कि आपने घोषणा की थी, इसको चुनावी मुद्दा आप क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं आप प्रधानमंत्री से जाके मिलते हैं कि साहब अगर आप ये करेंगे, उनको कन्विंस करिए कि अगर आप लाल इमली चल जाएगी तो समझ लीजिए कि ये पूरा आपका एक माहौल बन जाएगा, और यकीन मानिए अगर लाल इमली अकेले चल गई तो एक बहुत बड़ा माहौल, राजनीतिक माहौल। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि अगर ये अगर है तो टाइम बाउंड प्रोग्राम घोषित करें, कितने दिन में हम इसको चालू करा देंगे। मदन मोहन जी आप लोग जाइए बात करिए, शैलेश जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, रजत मिश्रा, मदन मोहन जी, संजय गाबा, गंगेश्वर दत्त, शैलेश अवस्थी जी, और जो शिवांग मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। लाल इमली कोई छोटा मुद्दा नहीं है, आज आई और बात चली गई, लेकिन मुझे बहुत बड़ा मुद्दा लगा, हजारों मजदूरों की रोजी रोटी का मुद्दा। लाल इमली अगर चलेगी तो इतना बड़ा रोजगार सृजन का एक हब बनेगा भारत, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में, एक नई तरीके की व्यवस्था बनेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, और फिर हो सकता है कि सिलसिला चल जाए सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों को, कारखानों को चलाने का। अगर ये सिलसिला चला तो राष्ट्र के हित में ये बहुत बड़ा अच्छा संकेत है। नमस्कार।